हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज का ये ब्लॉग कुछ स्पेशल है, तो इसलिए मैंने सोचा कि छोटा सा ही ब्लॉग करूं, लेकिन अच्छा से आपके साथ शेयर करूं। तो आज क्या है कि श्वेता वापस आ रही है, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे गई कब जो वापस आ रही है। हाँ, गई थी, एक डेढ़ महीने पहले गई थी। तो उसका मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैंने गई थी साथ में, उसके पापा गए थे। तो आज सोचे कि चलो वो और ये क्लिपिंग को मिला के एक क्लिपिंग बना देते हैं कि बिफोर जब जाने का टाइम में कैसा था और आने का टाइम में कैसा है। तो वही मैं सोची कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ से जो जा रही थी वो देखते हैं, फिर यहाँ से जब आएगी उसको देखते हैं। यहाँ पर दोनों माँ बेटी मिल के सारा सामान को पैक कर रहे हैं। आपने इसके वाला वीडियो में देखा ही होगा जहाँ मैंने हॉस्टल पैकिंग लिस्ट बनाया था, वो मैंने श्वेता के लिए बनाया था क्योंकि वो जा रही थी। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग मेरा चैनल पे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैं सारा सामान रेडी कर चुकी हूँ, अब श्वेता निकलेगी। कहता आज जा रही है हम लोग को छोड़ के, अब अच्छा से पढ़ाई करना, ठीक है ना। बाय बाय, अब काफी दिन बाद मिलेंगे हम लोग यूट्यूब चैनल पे। अच्छा से पढ़ना, फोन करना है ना। तो देखा आपने जाते सपने कितना रोने का मन करता है। रोते हुए गई थी और आ रही है तो एकदम हंसते हुए आ रही है। तो और लाइफ में फर्स्ट टाइम उसका ये फर्स्ट ट्रैवल, इतना लंबा ट्रैवल था, पक्का 24 घंटा का ट्रैवल था। अभी बज रहे हैं 9:45 और वो स्टेशन उतर चुकी है, और वो भी स्टेशन से घर भी वो अकेले आ रही है फर्स्ट टाइम, है ना, बड़ी बात। चलो अच्छा रहेगा एक्सपीरियंस। ये ब्लॉग को करने के बाद मैं उसका एक्सपीरियंस भी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अकेले बैठ के क्यों हंस रही हूँ। इसके पापा अभी यहीं बैठे हुए थे तो बोलते हैं कि जाते हैं, मुझे अभी आई कहाँ है, आएगी तब ना जाइएगा लेने के लिए। बोलते हैं कि नहीं, पहले ही पहुँच के रहेंगे, इसीलिए पहले ही चले गए स्टैंड के लेके आते हैं। बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं, रहा नहीं गया तो चले गए बेटे को लाने के लिए। बोले जल्दी जल्दी उसका पसंद का खाना बना दो, जल्दी जल्दी कर दो। आ गई। लग रहा है कि बाहर से आई है ना, एकदम मास्क पहन के आई है। कहाँ है बाबा जी, पता नहीं कहाँ है। हम बोल रहे ऑटो वालों को यहीं पे छोड़ दिया अंदर तक। पापा जी नहीं मिले तुमको? पापा जी नहीं मिले हम लोग इधर, क्योंकि वो ऑटो वाले अंकल बोले कि मंदिर तक छोड़ देते हैं। देखो आ रहे आ गए। ओके, पहले पहुंच गए थे तुमको लेने के लिए। नहीं, मेरी बेटी आ रही है तो पहले पहुंच। कोई बात नहीं, हम यहाँ से दो पहुंच पकड़ लेंगे। आ रहे घट गई है पापा जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, टाइम से पहले पहुंच गए वहाँ लेने के लिए।
अपने बिना यार हो गया तो गया वाला। इस बार लग रहा था कि हाँ कुछ पेन हुए नहीं तो हमेशा कोई हमें छोड़ देता था ट्रेन में, फिर बैठ जाते थे सुबह को उठाने के लिए पापा जा जाते थे वाला हाल था। इस बार तो मजा आ गया मुझे। बाप रे लॉक फेवर किया था। हाँ यही से वो ऑटो वाले बोला अंदर ही छोड़। क्रिकेट खेलने गया था ना इसीलिए लेट आया। क्या हो गया? कैसे रो रही थी स्नेहा उस दिन? कैसे रो रही थी? वीडियो देखे होंगे आप लोग तो इसका? नहीं अभी डालेंगे हम साथ में, उस दिन में नहीं था ना ज्यादा तो बिफोर और आफ्टर का डालेंगे। खुश कितना जा रहा है। ये हम रेडी हो चुके हैं और कहाँ जा रहे हो तो? कहाँ जा रही है तो नहीं पता, बस इतना पता है कि चिकन खाने जा रहे हैं। बहुत मन कर रहा है, हॉस्टल के बाद लग रहा है बस जल्दी जल्दी चिकन खाएं। नॉन वेज खाने का अभी तो दीवाने के चक्कर में घर पे बनना बंद हुआ हुआ है, तो पापा जी बाहर लेके जा रहे हैं। अब देखते हैं कि वो कहाँ लेके जाते हैं। जाएंगे तो हम लोग कहीं ढाबा में ही ताकि अच्छा से कहीं चिकन खा सके। क्या क्रेश? ढाबा के रेस्टोरेंट कुछ भी बस चिकन खाना है। हाँ सब बोल रहे बस चिकन खाना है, कहाँ लेके जाएंगे ढाबा के रेस्टोरेंट? नहीं ढाबा में अच्छा चिकन मिलता है क्या? चलिए फिर देहाती ढाबा यहाँ गए हम लोग। देहाती ढाबा ये रहा देहाती ढाबा। क्या लगता है ढाबा ढाबा में नहीं चलेगा? नहीं है तब श्वेता यहाँ तो नहीं मिला। अब हम लोग जाएंगे वापस जो नहीं रेस्टोरेंट ही जाना पड़ेगा। तो चलो फिर रेस्टोरेंट ही चलते हैं है ना। चलो ये हम लोग आ गए जेनेक्स ही, तब चलो यहीं पर तुम्हारा दाना कुछ याद आया होगा बर्थडे। तुमको बर्थडे हम लोग दुर्गा पूजा में आए थे। ये अभी पूरा रेनोवेट किया गया है, इसको देख रहे होंगे चेंजेस इसका। रेनोवेशन के बाद और अच्छा लग रहा है। क्या जी कितना ये कुछ दिन पहले ये रेस्टोरेंट पूरा रेनोवेशन किया गया था, वॉलपेपर सब जो लगा हुआ था इसको हटा के यहाँ टाइल्स लगा दिया है और बहुत सुंदर तरीका से इसको प्रिपेयर किया। कितना दिन में कंप्लीट किया था ये? थ्री नाइट्स में पूरा खत्म कर दिया। फिनिश कर दिया इसका जो बना हुआ है ये भी अच्छा लगा। रेस्टोरेंट वगैरह में हमेशा रेनोवेशन कराते रहना पड़ेगा ना। हो गया डिनर है।
शिवम खाया ना ठीक से? Meanwhile, हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास. मेरा एक्चुअली हाथ में घाव हो गया है, कुछ स्वेलिंग सा हो गया है, कुछ बाइट कर लिया था, इसलिए हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास मेडिसिन लेने, क्योंकि थोड़ी फीवर टाइप की फीलिंग आ रही है और बहुत थकावट की वजह से हो रही है या क्या जिसकी वजह से पता नहीं, बहुत पेन हो रही है. देख रहे हो आप लोग कैसे हो गया, ये अजीब सा फुल सा गया है, सामने से और ज़्यादा स्वेल अप दिखता है. देख रहे हो कैसा दिख रहा हो, अजीब सा हो गया है, पता नहीं. बहुत ट्राई किया मैंने दवाई वाई लगा के, बट स्टिल नहीं वर्क किया वो. फिर अभी फिर दिखाने जा रही हूँ ताकि वर्क कर जाए कुछ तो. सो चले चलते हैं, फिर अभी निकल रहे हैं. लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, देखते खुला होगा या नहीं. अभी पता नहीं कौन गली कुत्तर से लोग लेके जा रहे हैं, बस पहुँच रहे हैं जल्दी से. खुला हो वो तो चलाया है, ये रही सी दुकान से लेने वाले थे. वो दुकान का मतलब वो मतलब तो दुकान था या कह सकते थे, डॉक्टर बैठे थे, वो बंद हो चुका था. तो अभी हम लोग दूसरी जगह जा रहे ताकि वहाँ से ले लें. मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रही है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बची है, तो इसके अंदर अभी जा रहे हैं. दवाई मैंने ले लिया है अभी, और कोई तो ऑप्शन नहीं था मेरे पास, तो दवाई मैंने बस ले लिया है. दवाई मैंने ले लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अभी बस कुछ देर के लिए बस फॉर टाइम बीइंग लिया है ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो. रात भर के लेटेस नॉर्मल फील हो, कल तो जाके डॉक्टर को दिखाई देना पड़ेगा. ये हम लोग आ गए घर सब कोई, तो इतना में ही थक गया लग रहा, बस नींद आ रहा है सबको, इतना जोर खा लिया. तो थकेगी नहीं, कल से 24 घंटा का जर्नी करके आई है तुम. तो मेन तो हम लोग तुम्हारे चक्कर में ही गए थे, कैसा लगा आज का डिनर तुमको? मजा आ गया एक्चुअली, कोटा में मिल नहीं पा रहा था हमको. आवाज आ रहा है क्या इसका? जैसा धीरे बोल रही है हमको तो सुना ही नहीं पा रहा है. अच्छा, बोल रहे थे कि कोटा में हमको वेज मतलब हॉस्टल जो है वो वेज वाला है, ठीक है, वेजिटेरियन हॉस्टल है, तो नॉन वेज मिलता नहीं है. और वहाँ पे नॉन वेज हम जितना भी बाहर से भी ऑर्डर किए वो सक्सेसफुल ही नहीं रहा मेरे लिए. कुछ ना कुछ मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरा मन ही उठ जाएगा वाला, मन ही उठ जाएगा घर का, ऐसा वाला हाल था. बट आज लग रहा है कि हाँ कुछ खाए हैं, बट सिर्फ घर का कंपैरिजन पे तो नहीं, फिर भी चाहिए यार. मज़ा आ गया, देखो क्या कर रहे हैं आज, तो मज़ा आ गया ना पूरा ना तेरे. अगर लोग घूम फिर के भी ऐसे से मज़ा आया, लॉन्ग ड्राइव पे घूम के आने वाले मैं तो ले ही नहीं पाया. हम सिर्फ नीचे वेट कर रहे थे कि क्रिश आएगा तो ले लेंगे, तो क्रिश आया ही नहीं. क्रिश आया तो इसका फ्रेंड लेट लगा ना. तो चलिए फिर इसी के साथ में ये ब्लॉग को हम एंड करते हैं. अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट.